क्या कह रही हैं अंकल? तुम्हें मेरी बात का यकीन कर लेना चाहिए राजदा, जिसे तुम जमशेद समझ रही हो वो जमशेद नहीं है। मैं इतनी ना समझ नहीं हूँ कि आपकी बातों में आ जाऊँ। आप मुझे धोखा नहीं दे सकते अंकल। अपनी भतीजी को फरेब देने के लिए बहुत कमजोर बहाना तराशा है आपने। राजदा सुनो तो। ओ शकीला, ये आपने क्या कहा डैडी? शकीला वो मैं भाई ठीक ही तो कहा मैंने, और क्या कहता? तुम ही बताओ और क्या कहता है? लेकिन क्यों कही आपने ये गलत बात? जमशेद जमशेद नहीं है। नहीं नहीं, जमशेद तो वो है, लेकिन मसलहत इसी में है कि हम राजदा के सामने उसे जमशेद मानने से इनकार कर दें। आखिर जरूरत क्या है झूठ की डैडी? जवान बेटी के बाप के लिए बेटी की खुशियों से बड़ी जरूरत कोई नहीं होती। कभी कभी बूढ़ा बाप एक ऐसे दोराहे पर आ जाता है जहां सच्चाई उसके लिए इम्तहान बन जाती है। उसे गुरेज करना पड़ता है सच्चाई के रास्ते से, उसे खुदगर्ज होना पड़ता है बेटी के मुस्तकबिल के लिए। लेकिन राजदा का क्या ताल्लुक है मेरे मुस्तकबिल से? राजदा अपने साथ वो माजी लेकर आई है जब उसने जमशेद को चाहा था, उसे पसंद किया था। मगर जमशेद का इसमें क्या कसूर है? राजदा कहती है कि जमशेद ने उससे मंगनी का वादा किया था। मैं जानता हूं कि यह बात गलत है, लेकिन किस किस को यकीन दिलाऊंगा इस यकतरफा चाहत का? राजदा सारे खानदान में यही कहती फिरेगी कि चचा ने बेटी की खातिर भतीजी का हक छीन लिया। आप ठीक कहते हैं डैडी, खानदान वाले भी राजदा ही की बात का एतबार करेंगे, क्योंकि राजदा और जमशेद एक ही शहर से आए हैं। मैं जमशेद से कह दूंगा कि वो राजदा को पहचानने से इनकार कर दे, और तुम भी राजदा को यही यकीन दिलाओगी कि ये जमशेद का हम शक्ल है और इसका नाम कुछ और है। बिल्कुल ठीक है डैडी। एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। एक अच्छा वाह, आ गए शेर साहब, मैं तो सोच रहा था जाने कहां मिसप्लेस हो गए। माफ कीजिएगा बुजुर्गवार, एक जरूरी बात याद आ गई थी। भाई अब्दुल करीम साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्होंने सब कुछ बता दिया नवाब के बारे में। अरे साहब बहुत बड़ा फ्रॉडिया था वो नवाब, खबीस, कई बार शादीशुदा हो चुका है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैंने नवाब और उसके दरबारी को घर से निकाल दिया। अच्छा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जीते रहिए बेटे, जीते रहिए। जिस्मानी बेसिक नीड फॉर द फंडामेंटल। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नवाब साहब दोबारा आ जाए? अरे कमाल करते हैं आप, आ सकता है वो कभी इस घर में मेरे होते हुए? मैं तो उसके साथ वो सलूक करूंगा कि याद ही करेगा वो कभी जी। ये आप मेरे कानों की तरफ क्या देख रहे हैं? दोनों कान मेरे अपने असली जाति। मैं आपके चेहरे की तरफ देख रहा हूँ। ये बाल वो दरअसल ये मौसम खिजा है ना, इसकी वजह से बाल गिर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था, बकवास मत कीजिए, ये नकली दाढ़ी है। नकली दाढ़ी? हाँ जी, बचका चले थे नकली दाढ़ी। हाँ वो अरे वो दरअसल मैं पता नहीं मैं क्या हूँ, वो मैं कहूँ ना मैं दरअसल कोई और हूँ। अच्छा अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़। अच्छा मैं चलता हूँ जी। वो जी ये बहरूप किस लिए भरा तुमने? मैंने वो देखना अंकल, आपको तो पता ही है कि जरूरत इजाद की मदरी लॉ होती है। देखना अगर मैं इस घर में चचा बनकर ना आता तो वो नवाब कभी ना निकलता इस घर से। ये तो जेदी ने बड़ा अच्छा किया। आपको तो मालूम है कि नवाब तो मुसलसल मुसीबत बन गया था आपके लिए। जी जी हाँ जी हाँ। देखे ना अंकल, पहला कैंडिडेट मैं था 50,000 का, फिर वो भी फील्ड में एंटर हो गया, वो डेफिडेंटली आपको धोखा दे जाता है। लेकिन तुम्हें ये सूझी क्या थी? ऐसी तरकीब तो कोई जहीन आदमी ही सोच सकता नहीं। देखे हाँ आप मुझे इल्जाम ना दे। हाँ देखे ये मैंने राजदा को सारी स्कीम बताई तो उसने मुझसे कहा कि तुम नवाब के चचा बनकर आ जाओ, ये सब कुछ मुझे राजदा ने बताया था। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ तुम जाकर मुंह दो। अच्छा वो देखे हाँ फिर आप राजदा से कुछ ना कर। वो साहब हाँ अंकल वो देखे बात सुने। हाँ मैंने आपकी बचत करा दी, आप ऐसा करें कि मुझे 10 रुपए फौरन दे दें पॉकेट करेंसी। हाँ मैं आज 9 से 12 फिल्म देखूंगा, बड़ी जज्बाती फिल्म है वो। हाँ
चालाक हसीना उर्फ लंगड़ा शिकारी। हाँ छटब लोग, हाँ पैसे देते नहीं है, डांटते ही रहते हैं बस। जब देखो छटब यार तुम भी नहीं कुछ कहते इनको। हाँ बस देखो ये भी एक ही बाकी बचा है अपनी नस्ल का। हाँ तो क्या कह रहे थे मैं तुमसे? वो सर आप वो इनकम टैक्स के बारे में कह रहे थे कि आप खुद बात करेंगे। हाँ मुमकिन है कि वो इनकम टैक्स ऑफिसर आज या कल आए, लेकिन उससे ज्यादा फिक्र मुझे चौधरी साहब की है। चौधरी साहब ये कौन है सर? भाई अभी चंद दिन पहले मुलाकात हुई थी, लखपति आदमी है, एक नया कारखाना लगाना चाहते हैं। मैं उनके साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ, वो आज शाम 5 बजे आ रहे हैं। तुम इस बात का खास ख्याल रखना कि उनकी खातिर मदारात में कोई कमी आने ना पाए। यस ठीक है, बिल्कुल बेहतर सर, समझ गए। ओ जमील अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे जरूरी बात करना थी। जी हालात कुछ बदल गए हैं, तुम्हारी शख्सियत एक नए मोड़ पर आ गई है। मेरी शख्सियत अब बाकी कहाँ रह गई है सेठ साहब? मैं तो एक साया हूँ जो आपके कदमों के साथ साथ चल रहा है। तंज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वही कुछ करना होगा जो मैं चाहूंगा। बार बार याद दहानी की जरूरत भी नहीं है, मैंने खुद को आदी बना लिया है इस कफस का। बहुत थोड़े दिन रह गए हैं आजादी में, राजदा का रिश्ता कहीं तय होते ही तुम्हारी शादी कर दूंगा शकीला से। लेकिन राजदा तो एक नया मसला बनकर आ गई है, वो कहती है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, वो कहती है कि तुमने मुल्तान में उससे मंगनी का वादा किया था। जी हाँ कितनी बड़ी ज्यादती है, वादी किए थे असली जमशेद ने, इल्जाम मुझ पर आ रहा है। मुमकिन है जमशेद ने उसे भी मोहब्बत का फरेब दिया हो। साहब इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी शक्ल अगर जमशेद से मिलती है तो क्या ये भी जरूरी है कि मैं उसकी जिंदगी के तमाम जुर्म अपने चेहरे पर सजा लूं? क्या मेरे लिए इतनी बड़ी ज्यादती काफी नहीं है कि मुझे एक ऐसे शख्स का नाम दे दिया गया है जिसे मैंने आज तक कभी नहीं देखा? समझदारी से काम लो जमील, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। बेहतर यह है कि तुम राजदा को पहचानने से इनकार कर दो। जी लेकिन सेठ साहब मैं तो जमशेद की हैसियत से इस घर में रह रहा हूँ। शकीला के लिए तुम जमशेद ही रहोगे, लेकिन राजदा के सामने तुम्हें अजनबी बनना पड़ेगा। मैंने राजदा से कह दिया कि तुम जमशेद नहीं उसके हम शक्ल हो। आपने सब कुछ सच कह दिया, आप अपनी स्कीम भूल रहे हैं सेठ साहब। कभी कभी भूले से भी सच बोल लिया जाता है। लेकिन शकीला को अगर मालूम हो गया तो? उसे मालूम हो चुका है कि राजदा जमशेद को चाहती थी, इसीलिए मैंने एक नई स्कीम बनाई है। अब राजदा को रास्ते से हटाने के लिए शकीला भी यही कहेगी कि तुम जमशेद नहीं हो। अब तो मैं खुद भी ये भूलता जा रहा हूं कि मैं क्या। आपने मुझे झूठ की जिस दीवार में चुना है सेठ साहब, उसके हर पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ है। सिर्फ नाम बदल देना काफी नहीं होगा शकीला, हो सके तो उसका चेहरा भी बदल दो। कमाल करती हो तुम, क्या दुनिया में हमशक्ल नहीं होते? होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि वादा किसी लड़की से करें और मंगनी किसी और से कर लें। जमशेद ऐसा नहीं हो सकता। हाँ तुम भी उसमें दिलचस्पी ले रही हो। ठीक है मैंने भी उसे पसंद किया है, लेकिन पहले उसने मुझसे कहा था कि मुझे चाहता है। नहीं बोलो, ईमान से मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये ऐसे ही कह रही है। जी हाँ वो पता है, because I am beautiful chap, तो ये बड़ी शरीर है, इन्होंने खुद ही मुझे पसंद कर लिया होगा। ओहो, आपको नहीं कह रही हूँ मैं। अच्छा मुझे नहीं, फिर किसे? जिम्मी की बात हो रही है जदी। अच्छा ये अपना जमशेद, ये that beautiful ugly chap, क्या हुआ इसे? मिस्टर जेदी yes. क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये जमशेद नहीं है? ये क्या, ये जमशेद नहीं? अच्छा लतीफा है कि जमशेद नहीं है। लो कल को आप कहते हैं कि मैं जेदी नहीं अब्दुल शकूर हूँ। लो कमाल है। आप एक बात बताएं मिस शकीला, जस्ट ए क्वेश्चन फॉर यू, 1 मिनट। ये एक बात बताएं कि आपको ये शक हुआ कैसे? कौन सा शक? यही कि ये जमशेद नहीं कोई और है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप बिल्कुल किसी की बातों में ना आए, ये लोग आपको मुमकिन है कि मिसलीड कर दें। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप पागल हो सकते हैं, नहीं वो आपके जहन पर फिर सदमा पहुंच सकता है। आप यकीन करें ये जमशेद ही है। जी हाँ ये तो कोई बेवकूफ ही कह सकता है कि ये जमशेद नहीं है। ये मैंने कहा है। आप कैसे कह सकती हैं? ओहे नहीं, ये क्या, ये चक्कर क्या है? ये इन्होंने कहा है और इनसे अंकल ने, इसलिए को अपनी भतीजी को बेटी के रास्ते से हटा देना चाहते हैं। मगर मिस राशिदा आपने कौन सी रोड ब्लॉक की हुई है? अंकल ने मुझे हमेशा बोझ समझा है जेदी, उन्होंने मुझे यतीम और ब्यास्ता भतीजी समझकर परवरिश किया। मैंने सारी जिंदगी महरूमियों में गुजार दी,
मैं जिंदगी भर खुशियों के लिए तरसती रही और वो अब भी चाहते हैं कि मुझसे मेरी खुशियां छीन ले। कितने जालिम हैं वो, उन्हें आपके साथ ऐसा सलूक हरगिज नहीं करना चाहिए। यही सलूक कर रहे हैं वो, इसलिए उन्हें मालूम हो चुका है कि मैं जमशेद को पसंद करती हूँ। यहाँ बिल्कुल ठीक है, अगर आप जमशेद को पसंद करती हैं तो बिल्कुल ठीक कहा है मैंने। ये मैंने क्या सुना? मैं पूछती हूँ कि ये तुमने क्या बका? अच्छा हाँ बका। क्या जरूरत थी कहने की जमशेद है? कमाल है, इस घर में तो पता नहीं कब से ये कहा जा रहा है कि ये जमशेद नहीं, वो ये मगर आपसे किसने कहा कि ये जमशेद नहीं है? ये चक्कर क्या है, बड़ा कंफ्यूशस हो रहा है मुझे। चक्कर कोई नहीं जैदी, हम राजदा से जमशेद का पीछा छुड़ा रहे हैं, बस ऐसे झूठ मूठ कह रहे हैं। झूठ मूठ लो समझा करो जैदी, तुम भी जरा सा झूठ बोल देना कि ये जमशेद लो तो ये झूठ होगा। कमाल है, इसको झूठ समझ रही है, कुछ पता ही नहीं आपको। देखिए पता है बात असल में क्या है, ये जो जमशेद है ना, मैं आपको बताऊं इसके बारे में, ये पता है क्या है, ये जमशेद असल में जी वो नहीं ना, नहीं ना, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, टेबल टॉक थी। शकीला बेटी, तुमने मेरी इनकम टैक्स की दूसरी फाइल तो नहीं देखी? अच्छा हाँ लो, अब पता चला इनकम टैक्स की दो दो फाइलें रखते हैं बच्चू। क्या बक रहे? हाँ देखे, मैं आपको साफ साफ बता दूं सेठ साहब, ये इनकम टैक्स में घपला करना कोई अच्छी बात नहीं है। घपला कोई नहीं है बेटे, वो दरअसल बात ये है कि मेरे माली हालात बहुत खराब हो चुके हैं। अच्छा तो आपने तो बताया ही नहीं था पहले मुझे। मैंने ये सब कुछ लिख दिया है दूसरी फाइल में इनकम टैक्स ऑफिसर को दिखाने के लिए, वो आ जा रहा है। अच्छा अच्छा, यू मीन आपकी फंडामेंटल पोजीशन डाउन है? अच्छा अच्छा, यस आई कम टू नो दैट योर फाइनेंशियल पोजीशन इज डेंजरस ऑफ दी सर्कमस्टेंसेस। यस हाँ बेटे, देखो अगर टैक्स ज्यादा लग गया तो ये कोठी नीलाम हो जाएगी। नहीं, तुम भी तो इसी घर में रहते हो। जेदी बेटे, तुम्हें मुझसे हमदर्दी होनी चाहिए। ये हमदर्दी नहीं, चाहत है सीमा, इसे हमदर्दी कहकर मेरे जज्बे की तोहीन ना करो। बेहतर यही है कि आप इसे हमदर्दी ही रहने दें, मैं आपकी चाहत के काबिल नहीं हूं सिकंदर साहब, मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं है। ये तुम नहीं कह रही हो, आवाज तुम्हारी है लेकिन लफ्ज तुम्हारे नहीं, तुम्हारे एहसास कुछ और हैं सीमा, और ये कोई अच्छी बात नहीं कि इंसान झूठ भी सच्चाई से ना बोले। मैं कैसे कहूं? कुछ ना कहो सीमा, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये कहने के लिए आंटी ने कहा है तुमसे। क्या कह दिया मैंने? आंटी आप सीमा को बार बार ये एहसास क्यों दिलाती हैं कि मैं गैर हूं इसके लिए? इसे बार बार ये ख्याल क्यों आता है कि हमारा घर एक जीना है जिसमें ये सबसे निचली सीढ़ी पे खड़ी है? ये ठीक समझती है बेटे, वो लोग जो बैसाखियों के सहारे चलते हैं बुलंदी की तरफ नहीं जाया करते। आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं आंटी, मैं जो हूं आपका हाथ थामने के लिए, आप अगर आंखों से माजूर हैं तो मैं आपके लिए रोशनी बनूंगा। आंटी मेरे लिए से ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी कि आप हमेशा इसी घर में रहें। नहीं बेटे, ये सब कहने की बातें हैं, एक अंधे का हाथ पकड़कर सड़क तो पार कराई जा सकती है लेकिन हमेशा के लिए उसका हाथ नहीं थामा जा सकता। क्या कह रही हैं आंटी आप? हमें हमारी औकात में रहने दो सिकंदर। लीजिए खाना आ गया, यखनी लाया हूँ आपके लिए। मैंने कहा था तुमसे? नहीं जी, आपने तो नहीं कहा था, साहब का आर्डर है। हाँ रात आपने खाना ही खाया था बुखार की वजह से, मैंने इसे कह दिया था कि यखनी बना दे आपके लिए, आप पी ले आंटी। पियो पियो पी लो बानो, एक प्याला यखनी ही तो है, एक सांस में पी जाओ। नहीं बनो बाबा, दिल नहीं जा रहा। अरे तुम्हारा तो दिल ही नहीं चाहता है खाने पीने को, जबी तो देखो क्या हालत हो गई है। सुबह से तेज बुखार चढ़ा हुआ है अम्मी को, नाश्ता तक नहीं किया अम्मी ने। मालूम है मुझे, सुबह आधा से हलवा बना के ले गई थी इनके कमरे में, देखा तो सो रही है बेखबर, सांसें तेज तेज चल रही थी, रंग ऐसा पीला था जैसे हल्दी। मैं तो डर ही गई थी कि अल्लाह खैर करे, आज का दिन बड़ा भारी है इन पर। आप मेरे लिए इतनी तकलीफ ना किया कीजिए। अरे तकलीफ कैसी बानो, कल को तुम ना रही तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा कि बीमार की देखभाल ना की, हालांकि मैंने तो खास तौर पर कहा है कि दवा के साथ चार अंडे भी उबाल दिए जाएं। किससे कहा जी?
तुझसे कहा और किससे कहूंगी? मुझसे? अच्छा तुझसे नहीं कहूंगी तो और किसी और से कहूंगी? जी हाँ मुझसे कहा है, बड़ा ख्याल रखती हैं बीवी जी इनका, अभी लाया अंडे उबाल के। अरे खाया तो कम वक्त कहा जा रहा है, अरे पहले यखनी तो हजम हो लेने दे। पी लीजिए अम्मी, बीमार सब होते हैं मगर आप की तरह कोई खाने पीने से लापरवाही नहीं बरतता। भाई परेशान होने की क्या जरूरत है मेरे होते हुए, भाई यहाँ इलाज ठीक नहीं हो रहा है तो अस्पताल दाखिल करा देती हूँ। जी नहीं अम्मी, कोई जरूरत नहीं, आंटी घर ही पर ठीक है। अरे इनकी हालत कुछ और ही कह रही है बेटे, अस्पताल में दवा वक्त पर मिलेगी, ऑक्सीजन का इंतजाम भी होता है वहाँ। खुदा ना करे कि अम्मी की हालत ऐसी हो, दो तीन हफ्ते पाबंदी से दवा पी लें तो अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सीमा इन्हें वक्त पर दवा देना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इन्हें दवा वगैरह पिलाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ ताकि इंजेक्शन लगा दें। इनकी हालत बता दीजिए बेटे, कईयों का सांस उखड़ रही थी। बानो जब तक डॉक्टर आए यखनी पी लो, भाई एक ही घूंट पी लो, बाकी वापस कर देना। इन जैसा तीमारदार भी खुदा किसी को न दे। अच्छा अम्मी अगर आप यखनी नहीं पीते तो लीजिए सेब खाइए, ये लीजिए। सुना तुमने? अम्मी आप खाला की बातों की परवाह ना किया कीजिए। नहीं सीमा, ऐसे खाने का क्या फायदा जो भीख समझ कर दिया जाए, हम कब तक इनके टुकड़ों पे पड़े रहेंगे? मुझे एहसास है अम्मी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे किसी दफ्तर में नौकरी मिल जाए। नहीं बेटे, जमाना बहुत खराब है, कोई जरूरत नहीं है तुझे नौकरी करने की, मेरे हाथ पांव सलामत है, मैं ही कुछ करूंगी। इस सच से जिंदा रहने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इज्जत दौलत शोहरत क्या नहीं है इनके पास, बहुत ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखते हैं बरखुदार। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा दामाद मुंतखब किया है आपने। आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम तो ली होगी बरखुदार? जी नहीं तो। अच्छा, वैसे मैंने बीए किया हुआ है। अरे साहब इन्हें क्या जरूरत है किसी क्वालिफिकेशन की, जब से आंख खोली है बिजनेस का माहौल देखा, मेरे ख्याल में अपने कारखाने के लिए इनसे अच्छा मैनेजर नहीं मिल सकता। मैं कोई कारखाना लगा रहे हैं आप? हाँ भाई, अभी चंद दिन हुए चौधरी साहब से मुलाकात हुई तो कारखाने की बात चल निकली, ये पार्टनरशिप कर रहे हैं मेरे साथ, जमीन और कंस्ट्रक्शन मेरे जिम्मे है, 13 लाख रुपया ये इन्वेस्ट कर रहे हैं फिलहाल। बहुत अच्छी बात है चौधरी साहब, इस वक्त बहुत जरूरी है कि नए कारखाने लगाए जाएं, इस तरह बेरोजगारी दूर करने में मदद भी मिलेगी और इस वक्त हमारे माशरे में। भाई क्या बेमजा बातें शुरू कर दी आपने, हम तो मुनाफे की सोच रहे हैं और आपने माशरा शुरू कर दिया। देखिए ना, बिजनेस में भी माशरे की खिदमत हो सकती है, अगर हम कोशिश करें कि आला दर्जे के हुनरमंदों को ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह देकर मुलाजिम रख लें तो वो ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह यानी कम से कम मुनाफा। मुझे कुत्ते ने काटा है जो मैं कारखाना खोलूंगा, इनको अगर आपने जनरल मैनेजर बना दिया तो चल चुका कारखाना। नहीं नहीं, अगर तनख्वाहें ज्यादा ना भी हों तो हम कोशिश करेंगे कि मजदूरों को हिस्सेदार बना ले कारखाने का, इससे ये फायदा होगा। फायदे की एक सूरत है कि आप अपना मशवरा रहने दें। जिम्मी बेटे तुम जरा शकीला से कहो कि चाय बनवा। मैं ये कह रहा था कि वो जिम्मी। जी बेटर है। आप तो कह रहे थे कि बिजनेस के माहौल में आप खोली है ना? जी वो गलत तो नहीं कहा मैंने, दरअसल ये चौधरी साहब कि अभी अभी तालीम मुकम्मल की है, किताबों में लिखी हुई बातों का ज्यादा असर है जहन पर इनके। कैसा मूड ऑफ हुआ है, लाहौल्ला तौबा। खैर छोड़िए, कारखाने की प्लानिंग कर लिया आपने? जी हाँ, सारे कागजात मुकम्मल हैं, बिल्डिंग के लिए इब्तदाई नक्शा भी तैयार कर लिया है। आप तशरीफ रखें, मैं अभी लेकर आता हूँ, आप यकीनन उसे पसंद करेंगे, मैं अभी हाजिर हुआ। ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह, कैसा अहमक नौजवान है, बेवकूफ कहेगा। आप आ गए, वह दूसरी फाइल ला जा जा। हेलो हेलो, गुड इवनिंग, हाउ डू डू, प्लीज टू लुक यू, थैंक यू। हेलो हाउ जी, क्या उठ जाओ? अच्छा वाह वाह, मैं वाह सेठ साहब कहाँ हैं? अंदर गए कागजात लेने। अच्छा कागजात लेने चले गए, लो भला बताओ। वाह मशवरा कर लेते तो बेहतर था मुझसे। हाँ देखें, वरना तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है बस ढूंढते ही फिरते हैं, कहाँ है मिस्टर जेडी, कहाँ है मिस्टर जेडी, जेडी ओ जेडी। ओहो, हु इज जेडी? आई इज जेडी। ओह यू आर जेडी? यस आई आर जेडी। यू डोंट नो माय फैमिली फॉरग्राउंड,
आई बिलोंग टू अ सीजनेबल फैमिली, ये सेठ साहब मेरे अंकल हैं। जी हाँ, जब भी इन्हें कोई प्रॉब्लम होती है मैं ही इनके साथ डिस्ट्रक्शन करता हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन ऐसी कौन सी परेशानी है उन्हें? लो आपको तो पता ही नहीं है, कुछ हटे भी चले। आप परेशानी की बात कर रहे हैं, यहाँ तो सिलसिले हैं परेशानियों के। अब आपसे क्या छुपाना, देखें आप अफसर आदमी हैं, आपको तो पता ही है, घोड़ा घास से यारा ना करेगा तो खाएगा क्या। कौन घोड़ा? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ ना, आपका चेहरा देखकर घोड़ा मेरे जहन में नहीं आया ना, ना ये मैं एक मिसाल दे रहा था, ऐसे ही जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। क्या मतलब है ये? क्या बात कर रहे थे तुम? हाँ परेशानी क्या है उन्हें? वो देखें, वो आप खुद सोचें कि मुझे उनसे हमदर्दी नहीं होगी तो और किसे होगी? यू नो आफ्टर ऑल ही इज माय अंकल एंड यू नो हिज सिचुएशन ऑफ द पोजीशन इज वेरी मच सुपर कंस्टेलेशन एंड बोइंग एंड द फोकर फ्रेंडशिप। क्या क्या कहना चाहते हो तुम? मैं क्या कहूँ, देखें आपका चेहरा बिल्कुल घोड़ा, फिर घोड़ा याद आ गया। वो मैं कह रहा था कि आपका चेहरा ऐसा है जैसे किसी रहमदिल अफसर का होता है, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं अंकल के लिए। देखें वो बात यह है कि अंकल जो हैं ये इनकम टैक्स नहीं दे सकते बेचारे। इनकम टैक्स नहीं दे सकते? जी क्यों? वो अब मैं आपको क्या बताऊं, देखें कहां से दें इनकम टैक्स, वो मेरे अंकल हैं मुझसे कुछ नहीं छुपाते, उन्होंने खुद मुझे बताया था कि उनकी फंडामेंटल पोजीशन बहुत डाउन है। लेकिन उनके पास पैसे की क्या कमी है जो इनकम टैक्स नहीं दे सकते? आप इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ खाने को नहीं है घर में, दो दो दिन घर में चूल्हा नहीं जलता, गैस कट चुकी है, नलका बंद हो चुका है, नन्ने नन्ने बच्चे भूखे बैठे रहते हैं, खुद मुझे देख लीजिए क्या हालत हो गई है, फाकों से स्लिम होकर रह गया हूँ मैं। ये क्या कह रहे हो तुम, ये कैसे हो सकता है? वैसे तो अच्छे खासे हालात हैं। अरे क्या हालात हैं, बस ये सब दिखावा है। अब देखे ना, अब मैं आपको क्या बताऊं कि अंदरूनी हालात तो मुझे ही मालूम है ना, एक्सटर्नल सिचुएशन। लेकिन ये जायदाद कोठियां कारें जायदाद कोठी कारें ये सब दिखावा है, ये सब हाथी के दांत हैं, यू नो डंकीज टीथ टूथपेस्ट, यू नो आप जो कोठी की बात कर रहे हैं, ये शानदार कोठी आप देख रहे हैं, ये इन्हें क्लेम में मिली थी। जी हाँ, और ये भी 6 महीने से गिरवी पड़ी है, और कार जो है वो सेकंड हैंड किस्तों पर खरीदी थी, उसमें भी पेट्रोल की टैंकी लीक करती है, 1 गैलन में 10 मील चलती। अच्छा ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। अब मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं, लिख कर कहूं या जुबानी बताऊं, अब कैसे कहूं, क्या हालत है अंकल की, 11 बच्चे हैं, 1 बेवा माँ है, 3 खालू हैं, चच्ची को हैजा हो गया था, दवा नहीं मिल सकी, परहेज करते करते बहुत हो गई। अच्छा जी हाँ, अब कैसे कहूँ आज से, क्या कहूँ आपसे अंकल, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, शेर साहब की इज्जत बचा लीजिए अंकल, खुदा के लिए उनका इनकम टैक्स माफ करा दीजिए, इनकम टैक्स माफ करा दीजिए। ये रहा वो नक्शा, आ गए आ गए। वाह शेर साहब, मैं इनकम टैक्स की बात सब ठीक कर दिया मैंने। ये क्या हुआ, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? अपने भतीजे से पूछिए आपकी सारी हालत बता दी मुझे। आपके पास तो खाने को नहीं है, और बिजनेस करेंगे आप मेरे साथ? ये गलत है चौधरी साहब, आपने कैसे यकीन कर लिया? खामोश रहिए, आप तो इनकम टैक्स देने के काबिल भी नहीं हो, मेरे साथ पार्टनरशिप करेंगे, अब मैं आपके किसी धोखे में नहीं आऊंगा। चौधरी साहब, चौधरी साहब, ठहरे ना, आहिस्ता बात करें, आप चीख रहे हैं वरना फिर वो इनकम टैक्स लगा देंगे। वो इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं, मेरे पार्टनर हैं, तुमने उन्हें भगा दिया, निकल जाओ, निकल जाओ जेदी, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। हाँ ऐसे ही बस, हाँ जब देखो बस नाराजगी होते रहते हैं आप। वो एक तो मैं आपका इनकम टैक्स माफ करा रहा था, ऊपर से बस ऐसे ही बस शटअप, हाँ जब देखो शटअप, आप ये भी नहीं सोचते कि मेरा दिल टूट जाएगा। ये वो नीना